बारह महीने में 12 बार बीट करता है फिंचेस। ग्रेट। हाँ यह बहुत खूबसूरत सा तीन चीक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर है। एक्चुअली रास्ता बहुत स्लिपरी था, धीरे धीरे बहुत सावधानी से आना पड़ा। और तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ दीपंकर, उज्ज्वला भी मेरे साथ आया है और हम दोनों करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। पहुँच गए हैं विश्वजीत दा का घर का सामने, फिंचेस एंड जावा का ब्रीडिंग सेटअप। इससे पहले भी यहाँ आया था, वीडियो बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन वो सिर्फ फिंचेस का ऊपर था। बहुत ही अच्छा खासा इनके पास फिंचेस का ब्रीडिंग होता है और सही से दादा केयर ट्रीटमेंट करता है। और हमेशा की तरह मैं कहता रहता हूँ कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, परिवेश है, बहुत अच्छा है। इसी के लिए ही इन लोगों का पास बर्ड्स का इतना अच्छा ब्रीडिंग होता है। और उसके बाद विश्वजीत दा का साथ बात हुआ था कि उन्होंने कुछ जाभा भी लेके आए हैं, तो जाभा भी लेके आए हैं और थोड़ा बहुत ब्रीडिंग भी हो रहा है। फ़ोन पे बताया था, याद नहीं, वहाँ जाएंगे और देखेंगे और कुछ बात करेंगे, फिंचेस और जाभा का ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो को अच्छा लगा देखने के बाद, अगर अच्छा लगा तो उज्ज्वला एक लाइक कर दीजिएगा और अपना जो सारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में, मतलब वो बहुत ही ज़रूरी है, बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा, तभी जाके नेक्स्ट वीडियो मैं जब यूट्यूब में अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँचेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा। स्नैक, हाँ यहाँ मतलब यहाँ से पानी उस पार से यहाँ निकल रहा है और थोड़ा तो स्नैक वगैरह यहाँ देखने को मिलता है, फिर भी यहाँ इतना अच्छा ये जो जगह जहाँ से हम जा रहे हैं इसको देख के एकदम बचपन की बातें याद आ जाता है। पहले मेरा घर जहाँ था वहाँ भी ऐसे ही मिट्टी का रास्ता था और बाद में धीरे धीरे तो सब पक्का सड़क बन गया है। और यहाँ जब आता हूँ तभी वो पुराना सारे दिन याद आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और चारों तरफ तो हरा भरा भी है और बारिश का मौसम है इसलिए सारे पेड़ पौधा और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया। और फाइनली पहुंच गया हूँ विश्वजीत दा का घर का सामने। दादा विश्वजीत दा, आइए दादा, बहुत दिन बाद बताइए कैसे है दादा। ठीक है ये अंदर आओ। हाँ हाँ ठीक है, नहीं पहले अंदर नहीं जाएंगे, पहले वहाँ सारे मतलब ये थोड़ा रख दो, वहाँ से लेके चला आया बाइक से, नहीं तो रास्ते का बगल में कोई भी लेके जा सकता है। तीनों हेलमेट, अभी तो पुलिस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, विदाउट हेलमेट कहीं भी निकलो तो फाइन भरना पड़ेगा। और ये जो फार्म है ये तो दादा पहले नहीं था, ये नया सेटअप। हाँ इससे पहले जब आया था। अब इसके अंदर क्या क्या रखा है? इसके अंदर जाभा है। जाभा, इतना बड़ा सेटअप जाभा का, बहुत सारा जाभा भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले जब वीडियो बनाने के लिए आया था तभी बिल्कुल ये सेटअप था ही नहीं, ये नया सेटअप बनाया और बहुत ही कम खर्चे में बहुत सुंदर से ये सेटअप दादा ने बनाया। यहाँ कोई दीवार वगैरह नहीं है, सिर्फ ये क्या है, बैम्बू दादा, बैम्बू है। और ऐसे करके अंदर पहले एक नेट लगाया, मच्छर के लिए जो इस्तेमाल करते हैं और फिशिंग भी करते हैं कभी कभी, नेट लगाया, उसके बाद पॉलीथीन लगाया और उसके बाद ऐसे नेट, बहुत अच्छा। जाएंगे बाद में, सबसे पहले फिंचेस का फार्म हम लोग थोड़ा सा विजिट करेंगे, देखेंगे। दादा ब्रीडिंग प्रोग्रेस कुछ अभी है। हाँ ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी अच्छा खासा चल रहा है, मतलब अभी तो ब्रीडिंग सीजन है और इसलिए ब्रीडिंग तो होगा ही। करीब करीब कितना दिन पहले आया था दादा इससे पहले? 4 महीना हो गया है। 4 महीने के बाद फिर से विश्वजीत दा का सेटअप में आए हैं और पहले से काफ़ी चेंजेस हो गया है। उज्ज्वल दा पहले जब आया था नॉर्मल केज था, वहाँ मतलब GI का नेट से केज बनाया हुआ था और अभी तो एकदम बहुत ही अच्छे से, वाओ बहुत सुंदर। पहले जो प्रॉब्लम होता था चूहे आके टांग वगैरह काटता था, तभी तो 1/2 इंच बाई 1/2 इंच गैप का नेट में ही मतलब केज में ही अब रखते थे
और अभी तो इतना छोटा, ये कितना इंच भाई, कितना इंच का है ये तो मालूम नहीं, लेकिन बहुत ही छोटा है, छोटा है। इसका अंदर से मच्छर अंदर जाना भी मुश्किल है, मच्छर भी तो नहीं जा पाएगा सर, मच्छर भी जा नहीं पाएगा। फिंचेस को अगर मच्छर काटेगा, मतलब जो चिक्स वगैरह होगा, तो उसके लिए ख़राब है। और विश्वजीत दा ये जो नेट लगाया यहाँ, तो मच्छर भी जा नहीं सकता। बहुत सारा चिक्स है दादा, ये सब छोटा छोटा जो है, फिंचेस तो उतना ज़्यादा मैला नहीं करता है, गंदा बहुत ही कम करता है। कितना दिन बाद बाद ये साफ करना पड़ता है आपको? एक महीने के बाद बाद साफ करता हूँ। एक महीना बाद बाद, एक ही बार साफ? एक बार। मतलब आपका हिसाब से जितना सारा बर्ड्स है, सबसे लो मेंटेनेंस फिंचेस में है। खाना भी सबसे कम खाते हैं, ब्रीडिंग भी सबसे ज़्यादा करते हैं, और सफाई का काम भी बहुत देर देर तक जाके आप करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। और ब्रीडिंग कैसे चल रहा है दादा अभी फिलहाल? ब्रीडिंग तो अभी चल रहा है। कहाँ से देखना स्टार्ट करें दादा? कहीं से भी देखिए, कोई बात नहीं। सब में है ब्रीडिंग? सब में है, थोड़ा 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 करके सब में है। इसमें है क्या है, मैंने देखा नहीं चीज। अंडा बहुत ही छोटा छोटा, मतलब इसको एक बार हाथ में लेना चाहता हूँ मैं। बर्ड चीक तो मैं देखता हूँ, लेकिन इतना छोटा, वाओ। हाँ, और इसका पेरेंट्स ने तो बहुत ही अच्छे से फीड भी कराया, देखिए पूरा पेट भरा हुआ है, पेट भर भर के खिलाया। और यहाँ भी बहुत सारा चीक्स है, वाह ये थोड़ा बड़े हो गया है। ये देखिए मुंह का अंदर एक डिज़ाइन सा हम लोगों को देखने को मिलता है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक सा, टीका टीका सा, बहुत अच्छा लगता है। ये जो पिन फेदर है, इसको देख के ही हम गेस कर रहे हैं कि ब्लैक है। सावधानी से रख देता हूँ। हाँ दादा आप रख दीजिए। गेट ओपन करने के लिए जस्ट एक पिन लगा के रखे, इसको ऐसे हम खोल सकते हैं। हाँ इसमें भी देखिए दो दो चार, चार अंडा और एक चीक। और ये जो चीक है ये तो उससे भी छोटा। हाफ इंच का होगा। खिलाते कैसे? रख देते हैं आराम से, सावधानी से। और विश्वजिद्दा तो मतलब 6 फीट का होगा। आपका हाइट कितना है दादा? 6 फीट का है, मतलब इतना लंबा हाथ कहीं भी पहुंच जाएगा, कोई इशू नहीं। अच्छा विश्वजिद्दा और एक बात बताइए दादा, यहाँ अभी आपका कितना पेयर है टोटल? अभी 169। इतना मटकी तो चेक करना पॉसिबल नहीं है। और सब में क्या अंडा बच्चा? हाँ, है सब में अंडा बच्चा। अच्छा तो थोड़ा चेक करके देखता हूँ। तो दादा एक चीज बताइए, ये जो एक पेयर के लिए आपका तो ये पूरा एक ही सेटअप है, लेकिन एक के लिए, एक पेयर के लिए जो गैप आपने बनाया, जो केज रेडी किया है, इसका साइज थोड़ा बता दीजिए दादा। 1 फीट हाइट है। अच्छा, और 1 फीट चौड़ा है। अच्छा, और अंदर की तरफ जो डीप है वो 2 फीट। अच्छा, 1 फीट होना चाहिए। हाँ, यहाँ से यहाँ 1 फीट, 1 फीट यहाँ से यहाँ 1 फीट, 1 फीट और जो लंबाई है, हाँ हाँ 2 फीट है। 2 फीट, 1.5 फीट होता है, लेकिन 2 फीट करने से अच्छा होता है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सही रहता है, हेल्थ सही रहता है, अभी सही निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 1 फीट बाई 1.5 फीट ऐसे ही केज में एक पेयर फिंचेस हम लोग रख सकते हैं। क्या है दादा इसमें? नहीं है, वो चीक्स निकल गया वहाँ पे। ओ सारे चीक्स यहाँ निकल गए हैं, सारे चीक्स निकल गए हैं। तो इस मटकी को क्या अभी आप साफ सफाई करेंगे दादा? हाँ, अच्छा तो फिर कितना दिन बाद फिर से लगाएंगे? वो 5-6 दिन के बाद। अच्छा, मतलब ये सारे चीक्स यहाँ निकल गए हैं और 5-6 दिन के बाद फिर से दादा यहाँ मटकी लगा देंगे। और नेक्स्ट ब्रीड आते आते कितना दिन लगेगा? 22 से 25 दिन लगेगा। 22 से 25 दिन का बाद फिर से नेक्स्ट ब्रीड आ जाएगा। 22 से 25 दिन के अंदर फिर चिक्स निकल जाएगा। वो फिर से चिक्स, मतलब हर महीने में आपको एक बार ब्रीड मिलता है? ब्रीड मिलता है फिंचेस का, हर महीने में एक बार ब्रीड होता है। और खाना बहुत ही कम खाते हैं। खाना तो बहुत, अगर कोई फर्स्ट स्टार्टिंग करने जा रहा है और एज ए प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं बर्ड्स ब्रीडिंग को, तो फिंचेस से स्टार्ट करना ही सही है, क्योंकि मेंटेनेंस भी लो है, थोड़ा सा मेंटेनेंस कर दो, और दाना भी बहुत ही कम खाते हैं। बहुत कम है। और एडल्ट होने में कितना दिन लगेगा? वो 3 महीने 3.5 महीने 4 महीने उसके बाद एडल्ट हो जाएगा। फिर 3.5-4 महीने के बाद एडल्ट हो जाएगा, फिर से ब्रीडिंग में आ जाता है। तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा अंडा है, 4 अंडा यहाँ, 2, 2, 4, 2, 6 अंडा यहाँ, 3 अंडा यहाँ, तो एक चीक बड़ा हो गया है। और उसके बाद यहाँ क्या है देख लेते हैं, यहाँ
चार अंडा है, उसके बाद यहाँ भी चार अंडा है, ग्रेट। और उसके बाद यहाँ, हाँ यहाँ तो एक छोटा सा चीक और कुछ अंडा है, एक या दो चीक और कुछ अंडा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहाँ तो बहुत सारा चीक्स है, कितना होगा, एक दो तीन चार पाँच ऐसे कुछ होगा, मैं तो दिख नहीं पा रहा हूँ, हाथ ऐसे ही अंदर घुसा दिया कैमरा के साथ। हाँ यहाँ भी अंडा है, यहाँ देखता हूँ, हाँ ये अभी अभी ले किया, अभी भी करेगा। उसके बाद यहाँ, यहाँ चार अंडा, दादा यहाँ नीचे एक अंडा पड़ा है दादा, अच्छा यहाँ दो चीक्स है शायद, ये तो एक वाइट का पेयर है, यहाँ पांच चीक्स, यहाँ क्या, यहाँ भी एक वाइट का पेयर है, हाँ यहाँ बहुत खूबसूरत सा तीन चीक्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, बहुत सुंदर है। और यहाँ वाओ, एक दो तीन, और नीचे शायद एक है, नीचे शायद एक है लेकिन शायद मर गया है, हाँ सो सॉरी, एक चीक यहाँ एक्सपायर हो गया है, और ये तो कॉमन एक मैटर है, थोड़ा दुख होता है लेकिन ये कभी कभी होता है। अंदर बहुत सारा चीक्स है, थोड़ा बड़ा हो गया है, हाँ दो चीक्स है और काफ़ी बड़ा हो चुका है, सेल बिटिंग में आने वाला है बहुत ही जल्दी। उसका बगल वाला नेस्ट में बहुत सारा चीक्स है, हाँ यहाँ कुछ चीक्स भी है, अंडा भी है, बहुत बढ़िया। और विश्वजीत ने बताया कि अभी नीचे बैठना है, एक अजू है, हाँ यहाँ भी अंडा है, थक गया हूँ, और चेक नहीं करेंगे, बहुत थक गया हूँ। दादा मतलब सारे 169 जो अलग अलग पेयर दादा ने रखे हैं, लगभग कुछ छोड़ के करीब करीब 120 केजेस में दादा का चीक्स या अंडा है, मतलब ब्रीडिंग प्रोग्रेस, ब्रीडिंग रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और दादा थोड़ा सा कुछ टिप्स शेयर कर दीजिए, फिंचेस के लिए कौन सा बीमारी सबसे भयंकर होता है? फिंचेस के लिए ठंड लगने की बीमारी सबसे ज़्यादा है, और बीमारी ज़्यादा नहीं है ना, जैसे बजीज का लूज मोशन वगैरह वगैरह, डिजीज इन्फेक्शन वायरस वगैरह होता है, फिंचेस में ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ ठंड लग जाने का बीमारी सबसे ज़्यादा रहता है। दादा उसके लिए क्या, कौन सा मेडिसिन सब क्या रखते हैं, या क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं? जैसे आपने यहाँ पर्दा डाल के रखे है, अभी तो सर्दी का मौसम नहीं है, ठंडा का मौसम नहीं है, ठंड लगता है, इसीलिए जो जिस साइड से हवा निकल आता है ना, हाँ उसी से ठंड लगता है। गर्मी का मौसम हो या ठंडी का मौसम, आप मतलब इन लोगों को थोड़ा हीट में रखना पड़ेगा। अच्छा कितना टेम्परेचर में सही रहता है इसका? कोई तो 35 होना चाहिए मैक्सिमम, 35 35 में इसका ब्रीडिंग अच्छा होता है। आप एकदम कंफर्म है? हाँ 35 में ब्रीडिंग बहुत अच्छा होता है। मैं तो जानता था कि 35 में बर्ड उसका अंडे को हैचिंग कराते हैं, मतलब हैचिंग जो टेम्परेचर होता है 35 to 37 इसी का भी इसका हाँ, शायद भी अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ आया, और चारों तरफ ढका हुआ है प्लास्टिक से, इसलिए पसीना भी निकल आ रहा है, लेकिन सारे बार्ड्स देख रहा हूँ बिल्कुल सही सलामत है। तो 32-35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा में, तापमान में फिंचेस का अच्छा ब्रीडिंग रहता होता है, और इन लोगों का उतना आसानी से कोई बीमारी भी नहीं आता है। और फिर भी अगर आ गया है सर्दी का मौसम में, अगर फिर भी आ गया है, ठंडा लग गया है, तो तब कौन सा मेडिसिन सब यूज़ करते हैं? तो सल्डिन डालता हूँ मैं, सल्डिन और मोक्स ह्यूमन के लिए, वही देता हूँ। आपका तो सेपरेट केज में आप रखते हैं, काप में पानी देते हैं, थोड़ा सा एक निकालिए दादा, इससे पहले भी वीडियो बनाया था इसी तरीके से आप लोगों को दिखाया था, पानी देखिए बहुत ही कम, काप इतना बड़ा है लेकिन पानी बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, इसमें चीक से इसलिए ज़्यादा है, नहीं तो और भी कम होगा, इससे आधा हो शायद। अच्छा इससे आधा, इसमें कोई मेडिसिन से आपने मिक्स किया है? मिक्स्ड है। कौन सा मेडिसिन? कैल्शियम है। कैल्शियम, नाम क्या है? कैडिसोल डीसी। अच्छा कैडिसोल डीसी, हाँ ये तो बहुत लोग यूज करते हैं, अच्छा अच्छा कैल्शियम है। तो एक कप में इतना सा पानी, मतलब इससे भी कम देते हैं, चीक्स है इसलिए थोड़ा ज्यादा दिया है, और इतना पानी में कितना ड्रॉप देते हैं? दो ड्रॉप डालता हूँ मैं, मेरे यहाँ पे मैक्सिमम 10 लीटर के आसपास पानी लगता है। एक ही साथ आप मिक्स कर लेते हैं? करता हूँ मैं, दो ड्रॉप मतलब दो बूंद। हाँ दो बूंद ऐसे, ठीक है, दो ड्रॉप एक पेयर के लिए। हाँ एक पेयर के लिए। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला। तो कैल्शियम के तौर पे आप यूज़ करते हैं कैडिसोल डीसी,
अभी लेके आया हूँ, पहले ऑस्टोबेट यूज किया था। हाँ, लेकिन रिजल्ट अच्छा है। हाँ, ऑस्टोबेट भी कैल्शियम है और ये भी कैडिसोल डीसी, ये भी बहुत अच्छा है, कैल्शियम है। और उसके साथ दादा ये सब चीज, ये तो है लीफ 52। अगर ठंड लग गया है तो तभी कौन सा दवाई आप देते हैं? वो मेरी क्वीन डालता हूँ। मेरी क्वीन डालता हूँ। हाँ, सच में मैं भी यूज करता हूँ, एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। हाँ, हाँ। और बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम होगा तो आप मेरी क्वीन यूज कर सकते हैं। अच्छा फायदा है। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हम लोगों ने विश्वजीत दास से कलेक्ट कर लिया। और तो अभी जाएंगे दादा का जो नया सेटअप, नया छोटा सा फार्म बनाया है जाभा का ऊपर, वहाँ भी थोड़ा बहुत ब्रीडिंग हो रहा है, चालू हुआ है। ठीक है, जाभा का भी ब्रीडिंग हम लोगों को देखने को मिलेगा। और यही है दादा का जाभा का ब्रीडिंग सेटअप। और जाभा का जो ब्रीडिंग सेटअप है, उसी जाभा ब्रीडिंग सेटअप के अंदर एक केज में विश्वजीत दा ने जो सारा फिंचेस का, मतलब उस फार्म का जो फिंचेस का ब्रीडिंग फार्म है, वहाँ से जो सारा चिक्स हैच होता है, सारे चिक्स को यहाँ ले आके रखते हैं। ये है और बगल में वहाँ भी बहुत सारा है। यहाँ कितना चिक्स है? 200 के आसपास। लास्ट ब्रीडिंग में आपको मिला है इतना? लास्ट ब्रीडिंग में उन सेटअप से, मतलब अभी अभी जहाँ से आए हैं हम लोग ब्रीडिंग सेटअप से, लास्ट क्लास में 200 से ऊपर चिक्स दादा को मिला है। और ये जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे दादा सेल भी करेंगे। और उसी के साथ अगर ब्रीडिंग पेयर बढ़ाना है तो यहाँ से अच्छा बर्ड चूज करके अलग करके रखेंगे और फिर से ब्रीडिंग सेटअप में डालेंगे, ताकि ब्रीडिंग पेयर और भी ज़्यादा हो जाए, दादा का और भी जल्दी जल्दी बहुत सारा ब्रीड होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ भी रखे है इसका बगल वाला जो केज है, यहाँ भी बहुत सारा है। ग्रेट दादा, बहुत सुंदर दादा, इसको बंद करो। और यहाँ भी बहुत सारा है, हमको जो लग रहा है 200 से भी ज़्यादा होगा। आपने नहीं, काउंटिंग तो मैंने किया नहीं। वो अच्छा, आपने काउंटिंग नहीं किया। हाँ, 200 से काफ़ी ज़्यादा होगा, हमको जो लग रहा है 300-350 ऐसे कुछ होगा दादा। बहुत सारा चिक्स। और तो अभी बात करेंगे विश्वजीत का जाभा का जो सेटअप है इसके बारे में, इसका भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस थोड़ा बहुत चेक करेंगे। और दादा ने जैसे बताया थोड़ा ब्रीडिंग स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। और जाभा का जो वीडियो बनेगा वो सेकंड पार्ट में आप लोगों को मिलेगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, आप वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब यूट्यूब में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपका मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। उज्जवल दा, ओवरऑल बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? मैं पहले आया था लेकिन इतना ब्रीडिंग देखने को नहीं मिला है। इस बार जो देखा है लाजवाब है, बहुत। और इतना, मतलब जो लोग बजीस वगैरह करते हैं उन लोगों को भी, मतलब एज ए प्रोफेशन वो लोग लेते हैं, लेकिन इतना लो मेंटेनेंस में, यहाँ ज़्यादा वक्त भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन सुबह पानी और दाना सेपरेट केज में अगर डालेंगे, तो हम डालते हैं 4-5 दिन के लिए, एक बार 4-5 दिन के लिए एक साथ में डालता हूँ। हाँ, जो जितना सारा दाना देखा है ना, वो तो अभी भी 3 दिन खाएगा, 2 दिन हो गया और 3 दिन रहेगा। 5 दिन बाद एक बार करके दाना डालते हैं, हर दिन देना नहीं पड़ेगा, पानी हर दिन देना पड़ता है, पानी हर दिन, सिर्फ पानी देना का काम है। हाँ। एक बार आपने सेटअप बना दिया और हर रोज आपको पानी डालते रहना। मेरे पास तो फिंचेस का सेटअप नहीं है, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर कोई बिगिनर बर्ड ब्रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और वो वहाँ से कुछ अर्निंग भी करना चाहते हैं, मतलब वो एक प्रोफेशन के हिसाब से उसको लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से विश्वजीत दा के साथ बात होने के बाद, यहाँ आने के बाद, देखने के बाद, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो कहना है कि आपको फिंचेस पे ही जाना है, ताकि बजीज में भी लूज मोशन आते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं, बहुत ज़्यादा खाना भी खाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे मेंटेनेंस के लिए भी बहुत ही कम खर्चा, बहुत ही कम परिश्रम यहाँ लगाना पड़ता है, लेकिन ब्रीडिंग बहुत ही जल्दी होता है, 12 महीने में 12 बार ब्रीड करता है फिंचेस। ग्रेट। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।